नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको साइंस एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि एक उत्तल लेंस रहेगा और एक अवतल लेंस रहेगा, और अगर दोनों सेम ही डायोप्टर करेगा यानी कि सेम ही पावर करेगा और उसे किसी वस्तु को देखा जाएगा तो क्या हो सकता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो देखिए, मेरे पास सेम डायोप्टर का एक उत्तल लेंस है और ये भी एक अवतल लेंस है, ठीक है। यानी कि इसका पावर जो है सो दोनों का सेम है। बात का मतलब मान लीजिए इसका पावर जो है सो 10 है, तो इसका भी पावर कितना है 10, यानी कि 10-10 डायोप्टर का, ठीक है। तो चलिए पहले आपको अगर अवतल लेंस से दिखाते हैं, ये मेरे पास पील काटी है, इसको हम अवतल लेंस से दिखाते हैं आपको। तो देखिए कितना छोटा दिखता है, आप देख रहे होंगे कि ये पील काटी जो सो कितना छोटा दिख रहा है, देखिए कितना छोटा दिख रहा है, देख सकते हैं कितना छोटा दिख रहा है। और अब उत्तल लेंस से दिखाएंगे तो देखिए कितना बड़ा दिख रहा है, देख सकते हैं आप कि देखिए कितना बड़ा दिख रहा है पिल काटी। लेकिन जैसे आपको उत्तल लेंस और अवतल लेंस को मिला के दिखाते हैं तब देखते हैं कि कितना बड़ा दिखता है। तो देखिए अब जो इसको जिस प्रकार अभी नॉर्मल नॉर्मल कितना बड़ा दिख रहा है आप देख सकते हैं, इतना बड़ा। लेकिन जैसे ही हम आपको उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों को मिला के देखते हैं तो पर भी उतना ही बड़ा दिख रहा है, अब देख सकते हैं तो पर भी देखिए आप उतना ही बड़ा दिख रहा है। अगर हम उत्तल लेंस को नीचे कर दें और अवतल लेंस को ऊपर रहने दें तो देखते हैं क्या होगा। तो देखिए अब क्या हो रहा है, तो पर भी ये जो है सो नॉर्मल ही दिख रहा है, देख सकते हैं आप जिस प्रकार नॉर्मल दिखता है काटी उसी प्रकार इससे भी नॉर्मल दिख रहा है। यानी कि आपको इससे यह पता चलता है कि अगर सेम डायोप्टर का लेंस रहता है तो उसका पावर, अगर सेम डायोप्टर लेंस को एक के ऊपर रख के देखें जैसे इस प्रकार हम एक के दूसरे के ऊपर रख के देख रहे हैं, तो इसका जो है सो पावर जो है सो सेम हो जा रहा है, इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है प्रतिबिंब पर, देख सकते हैं प्रतिबिंब पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। जो प्रतिबिंब नॉर्मल बनता है उसी प्रकार नॉर्मल ही बन रहा है, देखिए जो इस प्रकार नॉर्मल दिख रहा है उसी प्रकार नॉर्मल दिख रहा है, देखिए। यानी कि सेम डायोप्टर लेंस से प्रतिबिंब सेम ही बनता है, यानी कि प्रतिबिंब को असर नहीं पड़ता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।